दोस्तों ये हमारे चैनल की फर्स्ट फ्राइडे क्यों ने धमाका होने वाला है और आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि आज से 5 दिन पहले मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पर मैं आप लोगों को बताया था क्यों ने वीडियो कमिंग सोन, अगर कोई सवाल है तो कमेंट में। लेकिन यार गाइस यहां पर मैं गरीब बन गया हूँ। देखिये सभी यूट्यूब क्रिएटर, ज्यादातर यूट्यूब क्रिएटर क्या करते हैं कि माफी मांगते हैं जब क्यों ने वीडियो लाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो जाते हैं और सभी सवाल का आंसर करना इम्पॉसिबल बन जाते हैं और इसी वजह से वो लोग सभी सवाल का आंसर भी नहीं कर पाते और इसी वजह से माफी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गरीब बन गया हूँ, सभी लोग कमेंट ज्यादा होने की वजह से माफी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 कमेंट आ चुका है और इन 3 कमेंट में से सिर्फ एक ही सवाल है और बाकी जो 2 कमेंट है वो सवाल नहीं है, वो बस ऐसे ही कुछ अपनी तरफ से कमेंट किया है। बट थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। भले ही यहाँ पर ज्यादा कमेंट, ज्यादा सवाल नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन पहले एक पोल डाला था जहां पर मैं आप लोगों से सवाल किया था क्या मुझे फ्राइडे क्यू एन ए वीडियो लाना चाहिए, हर फ्राइडे के लिए ये सिस्टम मुझे बनाना चाहिए। तो आप में से 77% लोगों ने बोला है कि हाँ भाई आपको हर फ्राइडे के दिन क्यू एन ए वीडियो लाना चाहिए और इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि हर फ्राइडे के दिन एक एक क्यू एन ए वीडियो आएगा और इसके बारे में बहुत सारे बातें हैं, कुछ बातें हैं, कंप्लीट सिस्टम बना लिया हो कैसे आप लोगों का सवाल पिक करने वाला हो। इससे पहले मैं लाइव में सब कुछ बताया था लेकिन वहां पर कंफर्मेशन के साथ मैं आप लोगों को नहीं बताया था कि कौन सा सिस्टम है, तो वो सभी कुछ कंफर्म हो चुका है तो अभी बाद में आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट जो डाला था तो वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, बाकी 2 ऐसे ही कॉमेंट है और जो पोल डाला था पोल के अंदर एक सवाल आया है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी, तो आगे इन दोनों का आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो भी ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर उतना ज्यादा कॉमेंट नहीं आया है, उतना ज्यादा सवाल नहीं आया है, कुछ लिमिटेड सवाल, कुछ लिमिटेड कॉमेंट ही आया है, सो इसी वजह से सभी का आंसर करने वाला हूं। तो सबसे पहले कॉमेंट क्या है आरिफ ब्लॉग्स भाई ने और 2 कॉमेंट क्या है आरिफ ब्लॉग्स भाई और दोनों कमेंट ही सेम टू सेम कमेंट किया है। सबसे पहले कमेंट किया है ओ दैट्स गुड, तो यहां पर आंसर करने वाला कुछ तो है नहीं, तो बट थैंक यू सो मच मुझे प्यार कर दिखाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, बट अगर कोई सवाल करता मुझसे तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगता। तो जो भी हो आगे से सवाल करना, अगर कोई भी सवाल हो तो आपके अंदर मैं उनका आंसर जरूर करूंगा। एंड उसके बाद कमेंट क्या है करवाली फ्रेंड्स और यहाँ पर कमेंट जो है ब्रो हु इज सॉफ्टवेयर डू यू यूज फॉर एडिटिंग, आई मीन मैं एडिट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर से मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ। देखिए लैपटॉप कंप्यूटर लगभग 1.5 महीने 2 महीने हो चुका है मैं ले चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं कंप्यूटर में एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं मोबाइल से एडिटिंग कर रहा हूँ। पावर डायरेक्टर से मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, कम से 6-7 महीने से पावर डायरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से लेकर 6-7 महीने पहले तक मैं काइनमास्टर यूज़ करता था। और मैं अपनी तरफ से अगर बताऊँ तो मुझे पावर डायरेक्टर से वीडियो एडिट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कम्फर्ट मिलती है पावर डायरेक्टर के अंदर कम्पेयर टू काइनमास्टर। लेकिन पावर डायरेक्टर के अंदर कुछ ऐसा कमियाँ है जो कि काइनमास्टर के अलावा नहीं चलता है और काइनमास्टर के अंदर कुछ ऐसा कमियाँ है जो कि पावर डायरेक्टर के अलावा मेरे हिसाब से चलता नहीं है। देखिए काम तो चल जाते हैं लेकिन कुछ कमी महसूस होता है एक दूसरे के बगैर, लेकिन इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर अगर चॉइस करना पड़े तो यहाँ पर मैं पावर डायरेक्टर को ही सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन दोनों के अंदर आप अच्छी तरह कंपेयर कर पाएंगे मेरे हिसाब से। देखिए मेरे पास जो काइनमास्टर है ना वो लाइफ टाइम फ्री है, मंथली जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसे भी मुझे नहीं लेना पड़ेगा काइनमास्टर के अंदर, उसके बावजूद भी मैं काइनमास्टर को यूज नहीं करता हूँ। यहाँ पर पावर डायरेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो पावर डायरेक्टर के अंदर यहाँ पर मुझे मंथली 450 रुपया देना पड़ रहा है, उसके बाद भी मैं मंथली 450 रुपया दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पावर डायरेक्टर को ही यूज कर रहा हूँ। तो अभी कम से कम आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पावर डायरेक्टर मुझे कितना अच्छा लगता है। उसके बाद कमेंट क्या है एलएफजेड स्क्वाड भाई ने और यहाँ पर कमेंट जो है भाई गिव अवे रिजल्ट अनाउंस कब होगा, गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस कब होगा, इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं भी कुछ तमन्ना लेकर बैठा हूँ कि मेरा भी इस गिव अवे के जरिए कुछ सब्सक्राइबर हासिल हो, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर हासिल नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, सो इसी वजह से उसका रिजल्ट आने में देर हो रहा है। जब उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों को उसका रिजल्ट सुनने को मिल जाएगा। फिलहाल मेरे चैनल पर 2 गिव अवे चल रहा है और एक का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर था, लेकिन उससे कम करके 5,000 लाया हो, और दूसरा गिव अवे की टारगेट में रखा था 5,000 लेकिन उससे कम करके 3,000 कर दिया हो, और अभी देखता हूँ जब 2,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद शायद मैं इसका रिजल्ट निकल भी सकता हो। तो इसी वजह से आप लोग जल्दी से जल्दी 2,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, देखता हूँ कि क्या होता है आगे जाके। तो यही था कुछ सवाल जिसका मैं आंसर कर दिया हूँ। और गाइस आपके पास भी अगर कोई सवाल है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करना।
और गाइस फ्राइडे के दिन क्यू एन ए एपिसोड का जो सिस्टम बनाया हूँ इसका नाम मैं रखा हूँ फ्राइडे क्यू एन ए धमाका। और ये नाम आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक और शेयर करते हुए कॉमेंट करके बताइए फ्राइडे क्यू एन ए धमाका ये नाम आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो आज के लिए इतना मिलेंगे सर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।